बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में हमें ठंडा ठंडा खाने को मन करता है, तो इसलिए आज मैं आपके लिए कुल्फ़ी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से तैयार हो जाती है। तो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए दूध। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 1 कप चीनी, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 10 से 12 बादाम, इनको मैंने क्रश कर लिया था, और 10 से 12 मैंने पिस्ताशू लिए, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सबसे पहले हम एक बर्तन में दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब हम हाई फ्लेम में पकाएंगे। दूध अब गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, दूध को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये क्वांटिटी में कम ना रह जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। और पिस्ताशू। और इसको मिक्स करेंगे। दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, हम मज़ीद 5 से 10 मिनट और इसको पकाएंगे। अब दूध जो है वो बिल्कुल रेडी है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं, अब मैं इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ग्लास को मैं फिल कर लूँगी। मैंने चारों ग्लासों में दूध डाल दिया। अब मैं इसको फॉल पेपर से कवर करूँगी। फॉल पेपर से मैंने इनको कवर कर दिया है। अब मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगी।
अब आइसक्रीम स्टिक्स भी लगा दिए मैंने। अब मैं इनको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए। फ्रेंड्स, अब 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी कुल्फी आइसक्रीम जो है वो रेडी है। ये देखें, बिल्कुल फ्रीज हो गई है। अब मैं 5 सेकंड के लिए कप को बाउल में रखूंगी ताकि आइसक्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, फिर मैं इसको आसानी से बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी की भी मैं इसी तरह निकाल लूँगी। अब हमारी कुल्फी आइसक्रीम रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।